में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पर हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार अतमान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए, एक प्रतिनिधिमंडल हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा, सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। और देश में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसकून तरीके से, पुरामन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और ये जेल भरो आंदोलन एक दिन का होगा या इसे कई दिन चलाया जाएगा, ये फैसला अगली मीटिंग में। ये माना जाए एक हफ्ते का अल्टीमेटम आपने प्रधानमंत्री जी को दिया? नहीं, अल्टीमेटम का लफ्ज़ प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए आप जो चाहें कह दें, प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसे अल्फाज ठीक नहीं समझता हूँ। हमने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि हमें समय दिया जाए, हमारे प्रतिनिधि मंडल श्रीलंका नज़र आएगा और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं उसी दहाने पर खड़ा हुआ है, दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है, हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। आपने आजम खान से मुलाकात की, आजम खान से किस तरीके की बात की थी, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई कि वो सपा से नाराज चल रहे हैं, सपा की अगर बात की जाए तो आप भी पहले कह चुके हैं तमाम लोग नहीं, सपा मुसलमानों के साथ नहीं दे रही, उन्होंने आजम खान का साथ, मोहम्मद आजम खान साहब से मैंने कल भी ये बात कही कि सपा जहाँ है वहाँ तक पहुँचाने में भी आपका ही हाथ है, और सपा से अगर आप नाराज़ हो जाओगे, आज भी अलहदा हो जाओगे, तो सपा ज़मीन पर आ जाएगी। सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है, हमने देखा है सपा का जो असल वोट बैंक होना चाहिए था वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था, और 50% से ज़्यादा यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो अगर आजम खान साहब अलग हो जाते हैं, मुमकिन है कि कल कोई बेहतरी का रास्ता बने और एक नया इंकलाब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नया इंकलाब आए, ऐसा मुमकिन है। आजम खान साहब, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जब गिरफ़्तार किए गए थे और जब कोरोना की महामारी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद आजम खान अब जेल से वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, उन्हें सिलो पॉइजन भी दिया गया, कल वो बता रहे थे सिलो पॉइजन दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया, तो आजम खां को नई ज़िंदगी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम लेने के लिए उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है, और कोई देश का कोई बेहतर काम, कौम का कोई बेहतर काम हम मिलजुल कर अंजाम देने में बहुत बड़ा नहीं, आजम खां साहब और ओवैसी तीनों लोग मिलकर एक